कोके परसों लोग पूछ रहे कि बाबा भौरी दी आई कि ना। बनारस मैंने फोन किया, 6 बजे के बाद दिन भर अमावस्या था, समझदार महिलाएं 6 बजे के बाद सब भौरी दी हैं। आज जरा बुद्धि नहीं बा केहू के कहले पर भौरी नहीं दिए ली। हम पता करके अब तो दूसरे दिन बोल नहीं पाए, चुकी आना था, लेकिन 6 बजे के बाद भौरी सब लोग दिए हैं, दिन भर अमावस्या रहा है। तो न जानकारी के वजह से जानकर भी काम नहीं कर पाओगे। बताया तो जाता है कि अब तीज का व्रत है, अभी बताएंगे तीज के व्रत से क्या क्या फायदा होता है और तीज का व्रत कैसे रहना चाहिए, अभी हम बीच में डालेंगे प्रकाश को। अबे दो चार दिन के बाद कौन त्योहार होता, यही में 6 तारीख के बाद, 6 तारीख के बाद अब तीज सब है भूखेला, ऐ में भूखल लगना जेकरी जेकरी मांग में सिंदूर बा सब है भूखेला। त्योहार भूखले में बात नहीं बा, कैसन कोई जाता। अब तो जौन मेहरारू अपनी मर्दे के कबो गोड़ ना लागत या उ करवा चौथ जरूर भूखती है। करवा चौथ भूखल जे लगना है ने मार झुमका टीका सजा तालो। अब मर्दे के कबो गोड़े ना लागल जाता, चलनी में झांके ली से है तोरे त्योहार। व्रत भूखने से मतलब नहीं है, आप अपने पति के साथ को परसेंट प्रेम करते हो ये देखना है। अगर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, सम्मान नहीं है और दोनों बेकत के बढ़िया से मिलान ना बा, तो व्रत भूखने ना भूखने से कोई मतलब नहीं है। उठाइए हाथ, बजाओ ताली बरिया रे। तीज तो वह भूखी जकरा मांग में सिंदूर बा ना, सिंदूर वाली बहने थोड़ा हाथ उठा ले, ताली बजा लो बरिया रे। दो चार गो ऐसा व्रत बा जौने व्रत के बड़ा अनिवार्य मानल गल बा। तीज भूखने वाली बेटियां बहन पहले गौर करेंगी, तीज का व्रत जो लोग रहती है ना ये जान लो कि पहले पति का पैर छूना जरूरी है। सीताराम, पहले पति का पैर सुबह छूना जरूरी है। ऐसा नहीं कि साल में एक व्रत आता है तो व्रत करने से मेरा पाप कट जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। पहले कांटा कर लो। तीज का व्रत किसने किया था? द्रौपदी तीज का व्रत की थी, सीता मैया तीज का व्रत की थी, ध्यान से सुनना, उर्मिला तीज का व्रत की थी, अनसुईया तीज का व्रत की थी। जितने संत महात्मा बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं उनकी अर्धांगिनी महाराज तीज का व्रत रही हैं। और तीज कोई छोटा व्रत खिलौना नहीं है, नारियों के लिए सुपर स्टार व्रत है तीज। तीज अच्छा तो छठी माई का व्रत बहुत बड़ा बाग तीज, नहीं बोलोगे? छठी माई के तो छठी माई के ढेर व्रत में खर्चा लागत था कि तीजी में बुझे वाला तो बुझते बोले निमन लुगा किना ना जाए मर्दे का कुल कुल घाटे पर जाए के बाद सौ जने देखी हैं देखौले बिना काजबा। अभी आज आवत छठियों माई के गीत तो बड़ी गीत बाय में कुल बहुत कथा आज लंबा है। तीज का व्रत रहने वाली बहने गौर करेंगी, पहले तो 3 दिन का ही व्रत मनाया जाता है, निराजल तीज रहा जाता है। जूतियां और तीज छठ का भी व्रत कोई हल्का व्रत नहीं है। 3 दिन आप लोग व्रत रहती हैं, 1 दिन खा करके भूखती हैं, 1 रात, दिन भर, रात भर, अरे 4था दिन परन होता है, अर्घा देती हैं आप लोग। और तीज का भी व्रत में यही महात्म है। तीज की व्रत रहने वाली एक सूचना पहले सुन लें, अपने घर में 2 दिन पहले से रच बच नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? उल्टा सीधा अगर खाने वाले लोग हैं तो बाहर बना करके खा लेंगे, लेकिन व्रत भूखने वाली बहनें 2 दिन पहले से अपनी बाल वाल धोना शुरू करती हैं, शरीर को पवित्र करती हैं कि नहीं, कि मेरा सभी शरीर पवित्र रहेगा तो मैं व्रत रहूंगी। और ये सुहागन नारियों के लिए बड़ी बारीकी की बात मैं बता रहा हूं, अपने घर में 2 दिन पहले से उल्टा सीधा कोई नहीं खाएगा। अब व्रत जब रहा जाए ना तो तीज का व्रत का एक पुस्तक आता है, जो पढ़ी लिखी बहन इसमें बहने बैठी हैं, तीज का व्रत का एक किताब आता है, इस व्रत को मंगा लेना और शाम को जरूर इसका पाठ कर लेना, तीज का व्रत जब रहे तो। और तीज के व्रत में करना क्या है, आप कभी भी तीज का व्रत रहे नया वस्त्र पहने, नया वस्त्र, सिंदूर जो लगा रही हैं आप उल्टा सीधा सिंदूर नहीं,
सिंहोरा का सिंदूर कभी लगाएंगी। कहां का सिंदूर? रोज डुबिया में के लाग जा चुनौती का, लेकिन तीज जा व्रत जब रहे ना तो किसमें का सिंदूर लगेगा? सिंहोरा है कि नहीं है? अरे जगह बिया भल बस सिंहोरा बगना अगर डिबिये गल है। सिंहोरा का सिंदूर लगाएंगी, लीलार पर बिंदी कभी लगाया हुआ बिंदी नहीं लगाएगी, साफ चूड़ी नया पहनेगी। जितना सजती हैं आप करवा चौथ में उसके उससे कम नहीं सजना चाहिए। तीज के व्रत में उससे ज्यादा ज्यादा सजो। अरे पति का सुहागन नारी का सबसे सुपर स्टार व्रत है ये करवा चौथ, तो इसमें दिखाया नहीं गया है रामायण गीता ग्रंथ में, लेकिन तीज का व्रत सीता अनसुईया सावित्री जितनी नारियों का नाम आप रखो ये नारियां तीज की व्रत रही हैं महाराज। ताली बजा लो बजा रहे। तीज के विषय में मैं बोल रहा हूं, तीज का व्रत रहे तो एक काम करें, अपने घर में सुंदर से सुंदर फूल मंगा करके, सुंदर से सुंदर फूल मंगा करके और तीज का पुस्तक मंगा करके बैठ करके पाठ करने के बाद एक दीपक जरूर अपने घर में जलाएं शाम के बेरा। कब? जब आप लोग व्रत रहती हैं शाम को पुस्तक पढ़ने के लिए, मैं बता रहा हूं ना तीज के व्रत में ये पुस्तक पढ़ा जाए। और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं अपना भगवान का ध्यान रख करके तीज का व्रत जब रहे तो उल्टा सीधा दिमाग में कोई बात ना सोचें, गंदगी ना डालें, किसी से झगड़ा तकरार ना करें, किसी से कोई ऐसा दुराव ना रखें। और पारण जिस दिन होता है ना, पारण जब करें तो तीज के व्रत में एक सुहागन नारी का एक वस्त्र होता है। तीज में वस्त्र दिया जाता है कि नहीं? नहीं दिया जाता है, ये मैं तो सबके मालूम होना ही बात। एगो कपड़ा चूड़ी बिंदी इस सुहागन नारी के लिए वस्त्र छू करके चाहे अपने बेटी को दे दो या ब्राह्मण को दे दो, माने अपने से बड़े लोगों को ये वस्त्र दे देना चाहिए सुहागन नारियों के लिए। तीज का व्रत रहने वाली नारी कभी अपने जीवन में अगर सुंदर विचार बना के रहोगी तो कभी जीवन में तुम विधवा नहीं होगी। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पति का कोई बात होगा। तीज का व्रत कोई हल्का नहीं है। अबे छठे माई का व्रत के विषय में हम बोलेंगे, चूंकि कथा दूसरे हिसाब के हैं और इस कथा को समझने का प्रयास करें। समझ में आई कि नहीं बात? 6 तारीख को तीज पड़ रहा है। तीज भूखना कोई खेल खिलौना नहीं है। बहुत लोग कहले तीज हमऊ भूखल बानी, हमऊ भूखल बानी है दादा, हमऊ कई मेहरारू तो सुनो बाड़ी 12 बजे रात के उठ का पानी पियल शुरू। तीज का व्रत कोई खेल खिलौना नहीं है। अब क्यों देखे जाता है अड़वा पानी पिए तड़ी की खैली है। दुविधा में काम मत करो, भगवान को धोखा मत दो, परमात्मा को धोखा देने का प्रयास मत करो। ये सिंदूर से बड़ा कोई स्थान नहीं है। नारी जीवन का सबसे बड़ा भगवान कौन है? पति है कि भगवान? नारियों को किसका पैर छूना चाहिए? शंकर जी के, दुर्गा जी के। हाँ तो अपने मर्दे के को गोड़े ना लगा, वीरेंद्र बाबा के आगे आके मुड़ी पटको, कोई तरीका है? अरे बजाओ ना ताली बरिया रे। पहले पति का पैर छुए उसके बाद वीरेंद्र बाबा है चाहे भगवान है। जितनी यहां बहुएं बैठी हैं पहले सास ससुर को प्रणाम करने के बाद कोई मंदिर में जाओ आप। अगर सास ससुर नाराज हैं, परिवार के बुजुर्ग नाराज हैं, तो तुम्हारा पूजा कभी फल नहीं करेगा। ताली बजाओ बरिया रे। ये तुम्हारा पूजा कभी फलित नहीं होगा। घर में पुरखा पुरनिया रो रहे हैं, अम्मा जी के कबो गोड़े ना लागा, कबो पिठिया ना मल, कबो धिकले चाहे ना थमाव, अब्रत भूख तीज जूतिया छठ ओही में करवा चौथ चलनी में झांक। बतिया गड़बड़ा था नहीं बा? लोग कोई दादा इतना जूटल मन जाए दुका दुका बोले लगल है। अब एमें जो गड़बड़ हुई तो भीतरे सोचत हुई कि बाबा बुझाता हमारिये पर कहत अड़का, हम केहू पर नहीं कह, सबके लिए मैं बोल रहा हूं। यहां मेरी बेटी मेरी बहन है, यहां सब मेरी माँ है, मेरे परिवार के लोग हैं, कथावाचक के नजर पर कोई दूसरा नहीं है। छोटी लड़की जो बैठी है मेरी बेटी है, और नौजवान जो बैठी है मेरी बहन है, और माँ तो माँ होती है। सबके लिए मैं बोल रहा हूं, ये कथा मेरे घर में भी सुनाई दे रहा है, हमारी भी औरत सुन रही है, मेरी भी बहू सुन रही है, हमारी भी लड़की ये कथा को सुन रही है। सुंदर बात मैं बोल रहा हूं कि नहीं? नहीं हो रहा है? एक बार ताली बरियारे बजा लो आप।
ये तीज का व्रत का मैंने त्योहार का कुछ छेपक दिया, आपको जैसा मन हो ऐसा करिएगा, खास बात तो हम बताइए देंगे। घर में महतारी रोवत या बाप रोवता या बेटा तो दारू पी के ढोहता आयावता तो और नहीं तो माइये के गारी देता जो उन्हें तन से पैदा भइल बा, ऐसा होता कि ना होता। एक बेर नाई माई से फोन को कहता माई रे निमने बाड़े खैले है कि नाई कपड़ा बा तबियत तो ठीक बा, माई से फोन कबो नहीं होता। अब मेहरारू से पहले माई है कि मेहरारू, नहीं बोलोगे पहले माई है कि मेहरारू, माई है तरह तर सुन लो। जन्मत मरत दुसह दुख होई, कथा तो मुझे बोलना है लेकिन मेरी बात को समझ लो आप, हमारे कथा को मेरे संस्कार को सुनने के लिए लोग आते हैं। जहिया जन्म होला ना बाबू लोग के हे माइन से पूछल जाएगी वो दर्द होला उकर दर्द बता देबू कितना भई क्यों बता पाई। 10,000 बिछी के टाण जौन देही में मारी उतना दर्द एगो बच्चा पैदा केले में होला। 10,000 बिछी के टाली बिजा बरिया रे, 10,000 बिछी का टाण जो होता है ना मारते हैं सब बिछी, एगो बिछी मार दे तो बेचैनी हो जाएगी ना, आ 10,000 बिछी के दर्द उमाई सहतिया कब जब बच्चा पैदा करती है तब। जहिया मरल जाई तहिया जमराज जब प्राण लेके जाइए ना तो इतने दर्द होई, इतने दर्द होई। लेकिन तबो बेटा माई के कदर करता, नारी के खाना और साड़ी हजार बा आ जे 9 महीना ढोलो के लुगरी मुहाल बा, मेहरी के कहले पर माई के मारे खातिर बेटा लाठी लेके तैयार बा, आ कलजुग के बाबू लोग के ध्यान धर्म आई हो कि ये जुग के बेटा लोग के यह व्यवहार बा। ये कलजुग के लड़का लोग के तरीका बा। अच्छा माई के पेट में बच्चा होक है तन हमरा और ताको बड़ी योजन का बात मैं बोल रहा हूं, कथा तो सब सुनी रहे हो, यह कथवा जरूरी बाकी का कोई जा कल्याण होई। जौन माई पैदा कैले बा पोष पाल के 18 वर्ष के 20 वर्ष का कह दिलस, 18-20 वर्ष का कह दिल, आ वो बेटा माई और ताकत ना बा तो माई के दर्द होई कि ना होई, ना होई। माई के पेटे में बच्चा बा लाद फान के अस्पताल में ले गई तो डॉक्टर कहता ना दूगो में एक गो बची, तो पतोही के ससुर कही है डॉक्टर साहब पतोही बचा दी, भले नाती मर जा, बुढ़ियो कही पतोही बच जा, नाती मर जा, मर्दो कही हमार मेहरारू बच जा, लड़का मर जा। लेकिन जोने माई के पेटे में लड़का बा वो माई से पूछल जागी के एक जने बची है या तो तू बचबू ना तो तुहार बेटा, वो माई के बचावे कही अपना के की बेटा के, सही बोलिएगा। सबका अपना अपना पर दर्द होला लेकिन माई कतई नहीं कही कि डॉक्टर साहब हमके बचा ली, हमारी लड़का के मुंह आ दी, पत्थल के करेजा हो यू माही कही कि हमारा बाबू के बचा ली, हमारे बेटा बच जाई ना तो मुहला के बादो लोग कही एगो बेटा पैदा करके गई बा, आज के बाद लड़का ना होकर तो जवार हमके बझनिया कही के बुलावे लगी। माई बेटा बचाई कि ना, माई कबो अपना बाबू के अनभल ना चिताई, माई कबो बाबू के गारी ना दी, माई कबो अपना बाबू के बुराई बेटा के बुराई महतारी कर ना सकेले, लेकिन बेटा इतनी पर जौन जौन कार करते हैं भगवान के लीला भाई दादा का जन रौरे यहाँ चल तक नहीं हमारे यहाँ तो बहुत कुल होता।